फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेरठ में मेडिक्लेम के फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। इस धंधे में लिप्त गिरोह के सदस्य उन लोगों को अपना निशाना बनाते रहे हैं जिन्होंने मेडिक्लेम तो करा रखा है लेकिन उसका कभी इस्तेमाल नहीं किया, और किसी तरह गिरोह के सदस्य को इसकी भनक लग गई। अस्पताल से मिली भगत कर गिरोह के सदस्य क्लेम कंपनी से भुगतान प्राप्त कर लेते थे, जबकि जिसकी पॉलिसी है उसे भनक ही नहीं होती थी। पुलिस ने आज जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें शास्त्री नगर गुरुद्वारा रोड स्थित सन सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का संचालक भी शामिल है, जबकि दूसरे साथी का नाम विकास है और वह पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर पशुपालन विभाग में कार्यरत है। पुलिस ने इनके पास से फर्जी पॉलिसी, लैपटॉप आदि बरामद किए हैं। फर्स्ट बाइट को गिरफ्तार पशुधन प्रसार अधिकारी विकास ने यह जानकारी दी। विकास, किस तरीके से आप ये मेडिकल क्लेम के लिए बनाते थे फाइलें? जो पेशेंट सर जिनका हेल्थ इंश्योरेंस होता था उनकी फाइलें बनाई जाती थी। तो किस तरीके से आपको बेनिफिट होता था आपको इसमें? सर कुछ नहीं, 10% का बेनिफिट होता था। अब तक कितनी फाइलें आपने बनाई हैं? 21। गिरफ्तार सन सिटी सेंटर का संचालक महबूब ने कैमरे के सामने आकर यह बोला। महबूब जी, क्या बना रहे थे आप, किस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहे थे? मैं कर रहा था फर्जीवाड़ा, मैं संजय नरसिंह चला रहा हूँ, ये इमरान विकास सर कर रहे थे इस काम को। क्या काम कर रहे थे? मेरे था ही नहीं फाइलों का। किस तरीके से बनाते थे फाइलें ये बताएंगे ना आपको? अब तक कितनी फाइलें बनाई? मैंने एक नहीं बनाई। आपको पता ही नहीं आपके यहाँ ये चीज हो रही है? नहीं, मुझे मालूम नहीं बिल्कुल भी। बताएंगे ना आपको जो बना रहे थे। एस्पेसिटी विनीत भटनागर ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। देखिए, ये थाना नौचंदी ने एक कुछ समूह का पर्दाफाश किया है, गैंग का पर्दाफाश किया है, जो मेडिक्लेम या इस तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं उन पॉलिसीज़ में फर्जीवाड़ा करते थे। कुछ लोग जो बीमित है उन लोगों की तरफ से फर्जी मेडिकल बिल्स बना करके, फर्जी रूप से उनके सर्टिफिकेट्स बना करके, उनको कहीं बीमार या अस्पताल में इलाजरत दिखाते हुए उन लोगों के बिल वो पास कराते थे, और पास करा के उस पर कमीशन के आधार पे उसको कंपनी को लॉस कॉज करते थे और इस पैसे को आपस में बांट लिया करते थे। इसमें कुछ अस्पताल के संचालक भी शामिल है और एक व्यक्ति जो कि पूर्व में इसी प्रकार की बीमा कंपनी में कार्यरत था और उसको जानकारी है इस पूरी प्रक्रिया की, तो इनको हम लोगों ने अभी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी है। विवेचना के क्रम में साक्ष्य और सत्यता के आधार पर और लोगों के भी जो इसमें शामिल हैं इस पूरे रैकेट में, उन सबका खुलासा किया जाएगा और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।